हाँ तो गाइस देखिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ये क्या बोलते हैं डिज्नीलैंड मेला ना, डिज्नीलैंड मेला। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जाने के लिए गेट है और यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। तो अभी शायद पता नहीं टिकट मिल भी रहा है कि नहीं, हम लोग ज़्यादा पहले आ गए हैं, पता नहीं क्या है। तो देखिए बहुत ही शानदार मेला लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो लास्ट तक बने रहिए ब्लॉग को, लास्ट तक देखिएगा। और अभी इतना ज़्यादा धूप है, आप लोग को दिखाती हूँ चारों तरफ का लोकेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है ना लग रहा है कि बेहोश होकर गिर जाएंगे हम लोग। धूप में हम लोग को भी मार रही हैं क्या? हम खुद मर रहे हैं, एक भी मार रहे हैं, तो मेहनत का फल। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए पिंक कलर का साड़ी पहन के आज मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे थंबनेल देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? डिज्नीलैंड मेला जा रहे हैं। डिज्नीलैंड मेला जा रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब आगे निकलते हैं। तो देखिए अभी हम लोग हाट से ले लिए हैं गाड़ी वहाँ के लिए, गांधी मैदान के लिए। तो अभी गांधी मैदान जा रहे हैं, तो मिलते हैं आगे वहाँ से ऑटो। तो गांधी मैदान से ऑटो चेंज करके अभी पाटलिपुत्र जा रहे हैं डिज्नीलैंड मेला में। अभी हम लोग एंट्री करेंगे कुछ देर में, तो वहाँ के लिए गाड़ी ले लिए हैं ऑटो। हाँ तो गाइज देखिए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ये क्या बोलते हैं डिज्नीलैंड मेला ना, डिज्नीलैंड मेला। तो यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ जाने के लिए गेट है और यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। तो अभी शायद पता नहीं टिकट मिल भी रहा है कि नहीं, हम लोग ज़्यादा पहले आ गए हैं, पता नहीं क्या है। तो देखिए बहुत ही शानदार मेला लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और देखिए अंदर चलते देखते हैं अभी टिकट कहाँ से लेना है वो लेते हैं। और तो देखिए अभी यहाँ पे कोई नहीं आया हुआ है, बस हम ही लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। और मैं अपना एक इयर रिंग लेके आई हूँ चेंज करने के लिए, क्योंकि रास्ते में हमको अच्छा नहीं लगता है ऑटो से आना था। तो अभी जा रही हूँ इयर रिंग चेंज करने और अंदर जाऊँगी, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो भी बनाना है हमको यहाँ पे। तो देखिए बाल ऑटो में जुड़ा करके आए थे, खोलिए हैं और इयर रिंग भी चेंज कर लिए हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो शूट करेंगे और बहुत सारा वीडियो बनाएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए ब्लॉग को, लास्ट तक देखिएगा। और अभी इतना ज़्यादा धूप है, आप लोग को दिखाती हूँ चारों तरफ का लोकेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है ना लग रहा है कि बेहोश होकर गिर जाएंगे हम लोग। धूप में हम लोग को भी मार रही हैं क्या? हम खुद मर रहे हैं, कोई मार रहे हैं। तो मेहनत का फल दीजिएगा आप लोग, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए गाइस हम लोग 5 बजे गेट खुलने वाला था हमको, मतलब पार्लर जाना रहता है, 2 से 3 के बीच में पार्लर जाना रहता है। इसकी वजह से मैं सोची कि 12 बजे आ जाती हूँ ताकि डिज्नीलैंड का मेला आप लोग को दिखा सकूँ। तो अभी हमको नहीं पता था कि यहाँ का गेट 5 बजे खुलता है, 5 बजे टिकट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी से ही आगे 12 बजे से ही कर खड़ा धूप में बैठी हुई हूँ। तो देखिए यहाँ रोड पर जो बना हुआ रहता है सड़क पर, देखिए तो यहाँ पर बैठ के वेट कर रहे हैं वहाँ गेट के सामने। देखिए आप लोग को वो डिज्नीलैंड का मेला दिखाने के लिए, खुद देखने के लिए कितना मतलब कष्ट करना पड़ रहा है हमको। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत वाला वीडियो है। तो देखिए अभी वेट कर रहे हैं, पसीना पसीना हो गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पता नहीं दिखा भी पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि अब भूख भी लग गया है, प्यास भी लग गया है। यहाँ आसपास पानी नहीं मिल रहा है, बस नारियल पानी मिल रहा था जो भी पिया है। दिखाते आप लोग को मेला डिज्नीलैंड का, बहुत ही महंगा पड़ गया हमको। हाँ तो गाइस फाइनली इंतजार का समय खत्म हो चुका, 5 बज गया है। तो अब हम लोग चलते हैं टिकट लेने के लिए। तो देखिए अभी हम लोग उठ के चल दिए टिकट लेने। तो गाइज हम लोग 3 लोग थे, 3 टिकट ले रहे हैं। अभी टिकट काउंटर पे खड़े हुए हैं टिकट लेने के लिए, वो पैसा दे रहे हैं। अभी टिकट वो ले लिए। तो देखिए जहाँ से निकला जाता है वहाँ पे मैं जाके एंट्री ले रही थी आउट गेट के पास, तो अब पड़े नहीं वैसे अचानक चले गए आउट गेट के पास। तो फिर वो बताए कि वहाँ है, तो यहाँ पे जा रहे हैं इन करने। और देखिए हाथ पीछे किए तो मेरा चूड़ी में कपड़ा फंस गया, अब निकल ही नहीं रहा था चूड़ी, परेशान हो गई थी पूरा। ऐसे लग रहा है पीछे हाथ करके चल रहे होते। यही है डिज्नीलैंड का मेला, यहाँ स्वागत करते हुए लगा हुआ है, जो वहाँ से मैं एंट्री कर रही हूँ अब अंदर की तरफ। और देखिए वो रहा डिज्नीलैंड का मेला। तो आप लोग अच्छे से आनंद उठाइए मेला का, जैसे हम उठा रहे, बस आप लोग देख के फील कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा इयर रिंग मिल रहा था, लेकिन कुछ महंगा मिल रहा है, इसे सस्ता मिलता है खेतान मार्केट में। मैं बस प्राइस पूछ रही थी इनसे
यहाँ पे पसंद भी नहीं आया उतना हमको, एक थोड़ा सा पसंद भी आया था उतना अच्छा नहीं लगा, तो फिर अभी और देख रही हूँ इयर रिंग, इसमें से ब्लैक कलर का इयर रिंग सोची कि ले लेती हूँ, बट उतना अच्छा नहीं लगा हमको। और मेरी फ्रेंड लोग थी उन लोग को भी उतना पसंद नहीं आया। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सूट मिल रहा है, यहाँ पे भी सूट ही मिल रहा था। आप लोग भी आइए तो पूरा मेला अच्छे से घूमिए। यहाँ पे बैग मिल रहा है, देखिए अच्छा अच्छा बैग है। देखिए फिर दूसरे जगह गई तो वहाँ सोची कि यहाँ तो कोई इयर रिंग पसंद आ जाए, तो यहाँ भी उतना हमको कुछ खास नहीं लगा। मेन बात है कि हमको इयर रिंग अभी नहीं चाहिए था, बस देख रही को तो अच्छा लग जाएगा तो एक ले लूँगी, तो कुछ खास हमको नहीं लगा इसलिए एक भी नहीं ली। वो लोग से बोल रही हूँ जाने के लिए दूसरे दुकान पे, थोड़ा सा हमको घूमने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है आप लोगों को दिखाना था हम लोग को। जो जो लोग नहीं आ पाए वो लोग देख सकते हैं कि हाँ डिज्नीलैंड मेला कैसा लगा हुआ है, तो आप लोग देखिए अच्छे से, क्योंकि मेरा वीडियोस और ब्लॉगिंग करने का मेन यही मकसद था कि आप लोग तक पहुँचा सके यहाँ का लोकेशन। और देखिए यहाँ पर बहुत सारा बच्चा का खिलौना मिला था, तो मैं सोची बाबू के लिए कुछ ले लेती हूँ, लेकिन मुझे कुछ खास उतना पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ बहुत ही छोटा बच्चा का, अब मेरा बाबू है कि थोड़ा बड़ा हो गया है, अब ये सब खिलौना लाइक नहीं रह गया है। टेडी बियर भी बहुत सारा घर पे है इसलिए टेडी बियर भी नहीं ली। यहाँ पे हर तरह का अचार मिल रहा था और बहुत ही दूर तक मेला लगा हुआ था यहाँ पे, बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा अच्छा कप था, तो मैं सोची कि यहाँ से एक दो कप ले लेती हूँ, बट पटना में मैं ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहती हूँ। ये कप था थोड़ा सा लग रहा है शराब पीने वाला है, तो मैं सोची कि ले लेती हूँ, फिर देखिए ले ही लेती हूँ फाइनली। चाय नहीं तो दूध पीऊँगी, चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, ले लेती हूँ। पूछ रही हूँ भैया से कितने का दे रहे हैं भैया। धीरे धीरे यहाँ बैलून शूटिंग वाला था, जो कि मन किया कर ले, लेकिन सोचे कि नहीं पता नहीं जब नौकरी हो जाएगा तब करूँगी। अभी देखिए यहाँ पे इयर रिंग यहाँ भी मिला, यहाँ बहुत ज़्यादा हर जगह पे इयर रिंग मिल रहा है, हर जगह इयर रिंग मिल रहा है, क्योंकि ये सब का भी डिमांड चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, सब लोग यही सब ज्वेलरी ज़्यादा पहन रहा है, क्योंकि अब गोल्ड का उतना तो कोई पहन रहा है क्योंकि उतना पैसा होगा तब ना कोई लेगा, बात ये है। तो अभी मैं झूला की तरफ बढ़ रही हूँ और मेरा धड़कन बढ़ रहा है सब इतना डेंजर झूला देख के, क्योंकि बहुत ही खतरनाक झूला था यहाँ पे, देख के ही हार्ट बीट बढ़ रहा था मेरा। अभी मैं उसको अपना जो ली थी सामान दे रही हूँ बैग में रखने के लिए अपनी फ्रेंड को, तो अभी आ गई यहाँ पे। यहाँ पाव भाजी मिल रहा है जो कि नहीं खाऊंगी पाव भाजी,
यहाँ पे 3D शो लगा हुआ था, सोचे कि जाके देख लेते हैं, लेकिन फिर सोचे कि ना पैसा खर्चा हो जाएगा नहीं क्या देखने के लिए। लेकिन जाएंगे कभी ना कभी जाएंगे। फिर इसके बाद फिर गांधी मैदान में भी शादी है मेला लगता है डिज्नीलैंड, उस टाइम जाऊँगी ये वाला देखने। लेकिन शायद पटना में पहला ये था 3D वो शो लगा हुआ था। कॉमेडी आ गई झूला पे, सोची कि यहाँ पे शूटिंग करवा लेती हूँ, एक दो करवा भी ली। वो चैलेंज कर रही थी झूला पे बैठ, तो ये पता नहीं कौन सा झूला है जो कि टावर जैसे दिख रहा है, इससे तो मैं बैठने वाली नहीं हूँ, किसी भी झूला पे मैं नहीं बैठ सकती हूँ। और ये बड़ा वाला झूला है, आप लोग भी आइए और आनंद लीजिए डिज्नीलैंड मेला और झूला और सब चीज़ का। देखिए तो, अरे बाप रे, ये झूला देख के मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है। बाप रे, देखिए कैसे ऊपर से नीचे गिरेगा। ओ हो गया गया भैया, नीचे गया। अच्छा, ओए बाप रे, क्या मतलब है ऐसा ऐसा झूला बैठने से क्या मिलेगा। अभी देखिए मैं बेलपूरी खा रही हूँ, किनको किनको खाना है खा लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। आप लोग भी आइएगा यहाँ तो खा लीजिएगा, पता नहीं कब तक लगा रहेगा डिज्नीलैंड मेला। और मैं खा रही थी, मेरा ध्यान झूला के झूला पे जो लड़की लोग बैठी थी उन लोग पे मेरा ध्यान था, कई लोग गिर ना जाए। हम उन लोग को देख देख के हमको लग रहा था उनका उन लोग का हार्ट बीट नहीं बढ़ रहा है क्या मेरी तरह, उन लोग को देख के हमको इतना डर लग रहा है, इतना हवा में उड़ रही है सब लड़की लोग। बाप रे बाप, है हिम्मत ही लोग में। झूला पे ये छोटा सा था तो मैं सोची कि इसी पे बैठ जाती हूँ, हम लोग देखती हूँ क्या होता है। तो मैं पढ़ने गई थी आवश्यक सूचना जो जो इस पे लिखा हुआ था, तो इस पे यही लिखा हुआ था कि क्या बोलते हैं, कमज़ोर दिल वाले नहीं बैठे। तो मेरे पास, मेरा दिल बहुत ही कमज़ोर है, मैं नहीं बैठ सकती हूँ। और ये भी लिखा हुआ था कि गर्भवती महिला कृपया नहीं बैठे, तो सही बात है, कभी भी गर्भवती महिला इस सब पे नहीं बैठना चाहिए किसी को भी, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। मैं किसी भी झूला पे नहीं बैठी, बस दूर दूर से प्रणाम सब झूला को, मैं मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि मैं बैठ सकूं। अब हम लोग मेला से बाहर निकलेंगे, और आप लोग को ये मेला कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और आप लोग भी पटना में बिलोंग अभी करते हैं, पटना में अभी अवेलेबल हैं, तो आप लोग भी आके इस झूले का आनंद लीजिए। मैं खड़ी हूँ चुपचाप, लेकिन मेरा नज़र कहीं दिख रहा है, कोई चीज़ देख रही हूँ मैं, तो अब वहाँ जाने वाली हूँ। आप लोग भी देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ और मेरा ध्यान कहाँ था। मैं हमेशा शॉर्ट्स वीडियो में या फिर वीडियो में देखी थी इसको खाते हुए फायर पान, तो मैं भी सोचती थी कि कभी हमको भी मिलेगा कहीं तो मैं भी खाऊंगी। लेकिन देखिए हिम्मत बना के चली तो गई हूँ वहाँ पे, बट खा पाती हूँ कि नहीं। भैया उन थे जो दुकानदार, उनसे पूछ रही हूँ कि ये खाने से नशा तो नहीं होता है ना, तो ये बोले कि नहीं, ये विदाउट नशा होता है, मतलब इसमें नशा नहीं होता है, बच्चा भी खा सकता है। तो मैं डर डर के उनसे बोल रही हूँ बनाने के लिए, तो वो बोल रहे हैं कौन सा आपको खाना है पसंद किए, तो मैं बिस्किट वाला स्मोक बिस्किट वाला कर रही हूँ, इसमें नशा वसा नहीं होता है, और हिम्मत बना के खा रही हूँ। देखिए मैं बहुत ही हिम्मत से बोल दी हूँ उनको बनाने के लिए कि हमको खाना है, तो फिर बोल दिए उनको, तो ये देखिए बना रहे हैं बिस्किट वाला मेरे लिए बना रहे हैं, और अभी खाएंगे हम, धुआं निकालेंगे मुंह से, आप लोग देखिएगा।
तो ये रिक्वेस्ट है मेरा पापा जी और मेरे पापा से, पापा जी मीन्स मेरे ससुर हैं और मेरे चाचा जी, पापा जी मेरे पेरेंट्स, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ये वीडियो नहीं देखें और हमको डांटे नहीं और को मारे नहीं, नहीं तो मार भी पड़ेगा इस वीडियो के लिए हमको। तो देखिए मैं धुआं निकाल रही हूँ, बहुत ही डर लग रहा है और मैं बहुत ही काँप रही हूँ, फिर भी कहा रही हूँ। देखिए मैं एक्सपीरियंस वाली नहीं, पता नहीं कैसे लोग स्मोक करते हैं जो कि सिगरेट पीते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, मेरे बस का नहीं है भाई। हाँ गा तो रहे हैं लेकिन बहुत ही डर लग रहा है, पूरा काँप रही। और ये मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी बनाई हूँ, डाली हूँ वीडियो, वही इसमें डाली हूँ, बहुत ही हिम्मत बना के खा रही हूँ। हाँ तो गाइस देखिए हम लोग रूम जा रहे हैं, सब खुल गया है मेरा, घूम लिए, आप लोगों को भी खुद दिखा दिए, पूरा अच्छा से नहीं दिखाया क्योंकि बार बार झूला वूला का दिखाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसके पहले भी मेरे गांव में यह हुआ था तो झूला का वीडियो दिखाए थे, इसलिए अब नहीं दिखा। तो अब रूम जा रहे हैं, यहाँ से जाएंगे गांधी मैदान, फिर गांधी मैदान से रूम के लिए निकलेंगे, तो फिर ब्लॉग को यहाँ पर नहीं एंड करेंगे, रूम के पास दिखा देंगे आपको। तो चलिए अब रूम चलते हैं, ऑटो जा रहे पकड़ने के लिए क्योंकि ऑटो से ही हम लोग आए हैं। और यहाँ का मेला कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, हमको तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का लोकेशन भी, और देखिए कितना अच्छा है सब चीज़ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो निकल के देखिए सीढ़ी से उतर के हम लोग जा रहे हैं, रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो निकल गया यहीं पे, दोपहर में हम लोग को उतना ज़्यादा वेट करना पड़ा था, तो चलते हैं यहाँ फिर। अभी कितना टाइम हो रहा है, 6 बजने वाला है अभी, तो एक ही घंटा में जितना घूमे हैं और शॉर्ट्स वीडियो बनाया है क्योंकि रूम भी जाना है, और आज जो पार्लर वाली जो दीदी है उनके लड़का का बर्थडे है तो उसमें भी अब जाना है हमको, तो फिर चलते हैं। उनके अचानक फ़ोन आया उनके यहाँ से कि आज मेरे बाबू का बर्थडे है तो आ जाइएगा, तो इसके लिए जाना पड़ेगा हमको। तो देखिए पार्लर में आ गए, लिपस्टिक लगाने की तैयारी में है क्योंकि ये रेडी नहीं हुई है, खाना बना रही थी, इन्हीं का बाबू का बर्थडे है जो कि मैं बता रही थी कि अचानक से फोन की इनकी, ये सुपुत्री कॉल की हमको कि दीदी आ जाइए भैया का बर्थडे है, तो सोचिए मेला से पूरा दिन थके हुए हैं, यहाँ आते आते हमको अब 8 बज गया है, फिर अब हमको रूम भी जाना है। खाना खिलाइएगा दीदी, खाना बना हुआ है, क्या बनाई है, खीर बनाया है, तो आज खीर पूरी और क्या बनाइए, पनीर मटर का साथ। चलिए कम से कम एक काम तो मेरा हल्का बहुत रूम से और यहाँ से जाने के बाद आज खाना हमको नहीं बनाना पड़ेगा, फ्री में खाना मिलेगा बर्थडे वाला खाना। आगे लिपस्टिक मार के देखिए ये फैन नहीं चला रही है कि बैलून सब फूट जाएगा, तो फिर चलिए अब रूम जाके मिलते हैं, नहीं तो देखते हैं कि कटिंग थोड़ा सा दिखा देंगे आप लोग को। हाँ तो गाइस देखिए हम लोग को खाना मिल चुका है, यहाँ पे है मटर पनीर और पनीर का सब्जी और पूरी, फिर हम लोग खा के अभी रूम के लिए निकलेंगे। ओके तब तक बने रहिए आप लोग। तो देखिए रूम पे आ चुके हैं और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय गुड नाइट, और प्यार दुलार दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।